हाँ जी, स्क्रीन देख सकते हैं आप? यस जी मैम। बिल्कुल। ओके, हाँ जी, जो ओके मेरे स्टूडेंट रह गए जिन्होंने नहीं पढ़ा, जल्दी से वो पढ़े। जी मैम। अलिफ, बे, गैमल, दालित, हे, वाओ, जाइन, खेत, टेट, योत, काफ, काफ, लामिद, मीम, मीम, नून, नून, सामिक, आयन, पे, ते, सादे, सादे, कौफ, रैश, सीन, शीन, ताओ। गुड, वेरी गुड। हाँ जी, और कोई? शाबाश, और कोई पढ़े? मैडम अभी मुझे तो समझ नहीं आई, जब प्रिंट इसका नकलवाऊंगा ना, मैं नकलवा नहीं सका, नकलवा के जब लिखूंगा इट्स फिर मुझे ओके। अभी समझ आएगी प्रिंट पे इसकी। हम आए नहीं है, सिर्फ स्क्रीन जो शेयर की है हम उधर से पढ़ रहे हैं, ठीक है? प्रिंट की तरफ हम अभी नहीं गए हैं, जो आपने मैडम अल्फाबेट्स आपको राइटिंग की। आईसाइट मेरी वीक है, मुझे ना पढ़ा नहीं जा रहा इंग्लिश के साथ जो ओके लिखा था प्री। ओके ओके ओके, ठीक है। अलिफ, बेत, गिमल, दालिक, थे, वक, जाइन, खे, तेत, योद, कौफ, कौफ, लामित, मीम, मीम, नून, नून, सामिक, आइन, पे, पे, सादे, सादे, कोफ, रेश, सीन, शीन, ताओ। ठीक है, तो आपने आप देखना है कि आपके नाम के जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है? तो जैसे अनीला है हमारे साथ, तो वो अलिफ नून, ठीक है? नून, ये पहले वाला नून लेना हाँ है, ये, फिर लाम, फिर ये है ना, फिर लाम है नहीं, अलिफ ठीक नून ये लाम अलिफ। है। तो आपने जल्दी से, जो आपके पास कॉपी पेंसिल होगी, अपने नाम के लेटर्स जो हैं वो जल्दी से लिखें, और लिख के उसकी पिक्चर्स बना के ग्रुप में भेजें। ओके ठीक है, एक छोटी सी सेकंड मैम। एक्टिविटी है जो हम करेंगे, 3 मिनट्स में आपने इसको करना है। जी, इसकी फॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्ट अगर ना बने तो, क्योंकि अभी नहीं, आपने फॉर्मेशन कोशिश नहीं ना करनी है, पता। कोई बात नहीं। जैसे आप लिख रही हैं कि अलीफ कब पे चल गया कि ये अलीफ है, वैसे भी लिखो, वह जहां पर ए है, अलीफ है, मतलब हाँ जी, ये है, ठीक है? तो अगर कुछ आपको नहीं समझ आ रहा तो आप हाँ पूछ हाँ सकते हैं कि मेरे नाम का ये वाला लेटर कहाँ कौन सा आएगा। ओके ओके डन। माइक साथ साथ म्यूट करें अपने। थैंक यू। हेलो जी मिस जी जी, मेरे नाम का आयन नहीं मुझे मिल रहा, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। क्या नहीं मिल रहा आपको? आयन, आयन आयन, चाहिए एक्सक्यूज मी मैम, जी। मैम ई के लिए कौन सा लफ्ज यूज होगा? ई, आप उर्दू में बताएं। मेहरान के लिए MEH, हे के लिए आपको ME, चाहिए? E के लिए मैम MEA, MEH। नो, उर्दू में आप मेहरान लिखते हैं, मीम है, ये देखिए यस मीम, जी मैम, और हे, और जी मैम, रे, आर जी में, जी और नून। आपने नून एंड अलिफ करनी अलिफ है तो फिर आप ये अलिफ वाला नून अलिफ नून लिखेंगे। मैम, अलिफ नून आएगा। हेलो मैम, मैंने अपने नाम के वो भेजे, चेक करिएगा, अगर रॉन्ग है तो मुझे हाँ बताइएगा हाँ मैं ताकि साथ मैं साथ दुरुस्त आपको कर चेक कर पाऊँ। सकता हूँ। मैम रेखा बता दें। शीजा, शीजा लिखे आपने? शादिया, शाजिया, शीन, अलिफ, जे, और हे एंड पे।
ये है, ठीक है, ये ठीक है, गुड, थैंक यू सो मच. ये लेफ्ट से राइट जाना है या राइट टू लेफ्ट? दाएं से बाएं. अभी हम देखे कि सामी जुबानें जो हैं वो दाएं से बाएं जानी लिखी जाती हैं, ठीक है, जैसे हम उर्दू में लिखते दाएं हैं दाएं से बाएं. ओके, हाँ, लाइक उर्दू में. हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है. देखिए हमने पढ़ा, और मेरा नून जो है वो कौन सा यूज होगा? ये दो नून है ना, आपने अगर नून आपका दरमियान में कहीं आ रहा है, ये नून दो है ना, तो कौन सा नून? हाँ जी, आप सुने, अगर आपका नून शुरू में या दरमियान में आ रहा है तो ये वाला नून यूज होगा. अगर आपके नाम के एंड पे नून है तो फिर ये वाला होगा. जैसे मेहरान है तो मेहरान एंड पे नून लगाएंगे तो वो ये लगाएंगे. मैम रेखा बता दें. रिजवान, प्लीज अपना नाम उर्दू में भी लिखें ताकि मुझे पता चले. टूट गया था नून, आप बता रहे थे कि कौन सा वाला नून यूज होने? आपके ये पहले वाला होगा, फर्स्ट वन, ठीक है. ओके थैंक यू. मेरा देखा रिजवान का के रिजवान आपने बहुत अच्छा लिखा है, थैंक यू. और आपने जो नून, क्योंकि आपके नाम के नून एंड पे आ रहा है तो एंड वाला नून जो है ना, जिस तरह यहाँ पे दो नून है, नून जब एंड में आता है किसी भी लफ्ज के तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, फिर वो इस शक्ल में आता है, ठीक है. अगर किसी के नाम के शुरू में या सेंटर में नून है तो वो इस तरह से आएगा. मैम रेखा बता दें. किसका? शाबाश अभी तक तो उज्मा, आइंस्टाइन. हेलो मिस जी. हाँ जी मिस उज्मा, आपने भी हेलो. गुड मिस परेश, हाँ जी, मेरे नाम का बताएं. मैंने मेरे नाम पे जो गोल एंड पे आता है उसका बताइएगा मुझे. हे आएगा आपके एंड पे. मिस हमारा ये वाला हे किधर गया? ये हे एच जो है आयन मी रे और हे हमारा. ग्रुप पे पिक्चर भेजें. ग्रुप में सिर्फ मुझे तीन लोगों की पिक्चर आई है जो हिब्रू का ग्रुप है. सिस्टर फरिश प्लीज ने नाम बताइएगा. मिस हमारा प्लीज अपना माइक म्यूट करें. गुड, शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग. दाऊद, वाह वाह दाऊद, आपने तो बहुत अच्छा लिख दिया अपना नाम. वेरी गुड, दाऊद ने बहुत अच्छा लिखा है हमारा. मुझे मेरा भी चाहिएगा. हाँ जी, बस ना थोड़ा सा आपको पता आजकल नेट का इश्यू चल रहा है तो वो आपकी पिक्चर डाउनलोड हो रही है. हमारा आयन मीम मिस हमारा मीम के बाद क्या लिखा है आपने? अलिफ जरीश. जरीश, ठीक है. जरीश, जरीश ने भी, जरीश के तो सीधे सीधे रुपए था जी, खुले खुले आ रहे हैं. जरीश आपने बहुत अच्छा लिखा. अनिला, वाह अनिला, अनिला ने भी बहुत अच्छा लिखा. गुड मिस परेश, अगर मेरे नेम में कोई करेक्शन होने वाली तो प्लीज बताइएगा. मिस हमारा, मैंने आपको पूछा कि आपने क्या लिखा है मीम के बाद, क्या लफ्ज डाला है? मैं आपको उर्दू में भी भेजती हूँ उसको दोबारा से. रे और हे हमारा. वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश आपने किया है. इससे आपको थोड़ा सा ना ये वाली एक्टिविटी करवाने का मकसद एक मेरा ये था कि थोड़ा सा लफ्जों की आपको पहचान होना शुरू हो, ठीक है. अभी हमने नाम को जिस तरह सॉरी जी जी, ये जो लेटर्स हैं इनमें गैप भी देते हैं या इनको ज्वाइन करके लिखते हैं? क्योंकि कोई आइडिया नहीं है ना. गैप के साथ थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल गैप, इतना गैप नहीं जितना इन हरूफ तहज्जी में आ रहा है, इतना नहीं, लेकिन जो है कि मतलब साथ ही जो आएंगे. हाँ 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 ठीक है. जैसे इंग्लिश में हमारे
लेटर्स आते हैं ना साथ साथ एक लफ्ज के पूरे इस तरह से। ये जो मैंने लिखे ये ठीक लिखा है, ये इसमें स्पेस होनी चाहिए। आपने ठीक लिखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो मिस परेश, मैंने दोबारा स्पीच भेजी है, प्लीज अभी देखिएगा। हाँ जी मैं देख रही हूँ। मेहरान मेहरान मेहरान, एंड पे नून नहीं डाला आपने, एंड पे नून डाल के भेजे। हमारा अब ठीक लिखा मिस हमारा आपने। ओके थैंक यू मिस। सुमेरा सीन मीम रे अलीफ सुमेरा जोर डाला हुआ, ठीक है। रेचल रे अलीफ चल, जे की आवाज से देंगे आप। रेचल लाम लामी, ठीक है। यहाँ से ढूंढ लिया खेत के साथ आप दे रही हैं रेचल की आवाज, ठीक है। गुड मिस रेचल, गुड मेहरान। मेहरान एंड पे नून डालें। काशिफ काफ अलीफ शीन पे, वेरी गुड। काशिफ जो आपने फे लिखा हुआ है मिस्टर काशिफ, उसका प्लीज ये वाला साइन जो है ना इसको थोड़ा सा लंबा करें, तो मतलब आपने लिखने भी थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे। हमेरा हाँ मिस हमेरा, आप इधर देखें स्क्रीन की तरफ। आपका नाम हमेरा हे आएगा, फिर मीम आएगा, फिर ये जोत आएगा, फिर ये रे आएगा, और फिर ये अलीफ आएगा, ठीक है। ऐसे लिखना है आपने, पहले क्या लिखना है आपने, हे फिर मीम ये हमेरा रे और फिर ये अलीफ हमेरा। आप प्लीज ठीक करें। गुड मास्टर काशिफ, आपने बहुत खूबसूरत लिखा है, राइटिंग आपने काफी अच्छी लिखी है फर्स्ट टाइम में। काफी लोगों ने राइटिंग को बहुत अच्छा से लिखा है, थैंक यू सो मच। आपने इसको इतना अच्छा जो है वो करने की कोशिश की है। इसका अब जो है हमारे पास वर्कबुक एक है हिब्रू की, ठीक है, जो आपको प्रिंट के लिए दी गई है। तो आपने ऐसा करना है कि आपने अब उस पे लिखे वर्ड्स को लिखने की कोशिश करनी है कि वर्ड्स हमने लिखने कैसे हैं। मैम कहाँ तक लिखना है हमने? पूरी लिखनी है, ये आपके पूरा महीना चलेगी, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा उसको जो है ना वो लिखना शुरू करें। अभी हम ये स्लाइड्स देखेंगे। अलीफ, ठीक है, अलीफ बेत गिमल दाली थे, ये पांच वर्ड जुबानी याद करने हैं। अलीफ बेत गिमल दाली थे, अलीफ बेत गिमल दाली थे, ठीक है। ये आपने वॉइस मैसेज करके इस वीक में सुनाने हैं, जब भी आपको याद हो जाए आपने खुद ईमानदारी के साथ जुबानी याद करके सुनानी है। रोज भी आप इसको वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, क्लास में ग्रुप में आपने एक्टिव रहना है, कोई इशू नहीं है कि आप बहुत मैसेज कर रहे हैं। जिन लोगों ने डिलीट करने हैं वो ग्रुप से डिलीट कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपके इनबॉक्स में बहुत मैसेज आ रहे हैं, लेकिन क्लास में आप जरूर एक्टिव रहें। हिब्रू के अल्फाबेट्स आप जुबानी याद करके या पढ़ के क्लास में वॉइस मैसेज करके भेज सकते हैं, और ताकि मैं सुनूं और मुझे पता चले कि आप कितना याद कर रहे हैं। और जो पहले पांच लेटर हैं अलिफ बेत गिमल दाली थे, ये आपने जुबानी याद करने हैं इस वीक में, ठीक है। और ऐसे ही रट लेने हैं इनको, अलिफ बेत गिमल दाली थे, बस हे तक, ठीक है। अब आपने हिब्रू के लेटर्स को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अलिफ है, और अगर आपके पास थ्री लाइंस वाली कॉपी नहीं है तो आप वन लाइन पे भी इसको लिख सकते हैं। तो आपने सोचना है कि ये जो नीचे फोर लाइन लगी हुई है वो नहीं है आपकी कॉपी पे, थ्री लाइन ही है, ठीक है। तो आपने उसी लाइन के ऊपर से एक पहले इस तरह ये लगानी है, और ये अलमादा जो हम डालते हैं, आपको पता है अक्सर हम अलमादा आम में डालते हैं, तो ये बिल्कुल वो अलमादा है इस तरह करके, ठीक है। बेत भी आपने ये जो बेत का ये वाला नीचे वाला ये बिल्कुल लाइन के ऊपर आना चाहिए, सीधा लाइन के ऊपर आना चाहिए, और फिर ऊपर से आपने ये इसको इस तरह से बनाना है, सेवन की तरह या सी की तरह इस तरह से, ठीक है। अब गिमल,
गिमल ये देखें नीचे छोटा सा वी की तरह आपका आना चाहिए, ये अल्फाज की खूबसूरती के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप कितना खूबसूरत उसको बना सकते हैं, ठीक है। ये आपकी लाइन है, एक ही लाइन है, थोड़ा सा लाइन से ऊपर जाके आपने छोटा सा सी बनाना है, उसके ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, और फिर उसके इधर से करके आपने वी की तरह बनाना है कि नीचे वाले दोनों भी ये बराबर हो। गिमल दालित है, दालित के ऊपर सीधी आपने लाइन लगानी है, और जो आपकी एक लाइन वाली कॉपी है उस वहां तक आपकी लाइन आनी चाहिए वन, और ये थोड़ी सी बाहर जाए, ठीक है। दालित हे, हे भी आपने इस तरह रेश की तरह, जो हमारी रेश है वो बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसे आपने सेवन की तरह इसको बनाना है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के छोटा सा वन डालना है, ये दोनों भी लाइन के ऊपर आने चाहिए जो आपकी एक लाइन। हिब्रू में कुछ लेटर्स हैं जो फोर लाइन पे आते हैं, वो जब हम सिंगल लाइन पे लिखते हैं तो फिर हम उनको थोड़ा सा लाइन से नीचे ले जाते हैं, ठीक है। जैसे हम उर्दू में सीन शीन लिखते हैं तो हम लाइन से आधी शीन सीन जो है वो नीचे डालते हैं, लाम हम लिखते वक्त आधा लाम लाइन के नीचे डालते हैं, मीम लिखते वक्त आधा लाइन के नीचे, कुछ इस तरह के लफ्ज हैं। तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसे ही होता है, जैसे क्यू है, छोटा क्यू आप लिखते हैं तो उसको थोड़ा सा लाइन से नीचे लेके जाते हैं, कुछ बिल्कुल लाइन के ऊपर आते हैं। तो अभी तक जितने भी लफ्ज हैं वो लाइन के सारे ऊपर हैं। वर्ब ठीक है, जाइन सीधा अलिफ डाल के थोड़ा सा तिरछा आपने बनाना, टी की तरह नहीं बनाना बल्कि थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देना तो आपका जाइन बन जाएगा। खेत वन डालना है आपने, और फिर रेश की तरह, रेश बहुत ज्यादा हिब्रू में यूज होती है, रेश का ये वाला साइन, ऐसे साइन बनाना और वन डाल देना। खेत देत ठीक है, ये आपने गोल इस तरह से बनाना है और थोड़ा सा इसको साइड पे निकाल देना, तो ये हमारा देत बन जाएगा। जोत, जोत जो हमारी ये देखिए ये लाइन है आपकी जो कॉपी की लाइन है, वह उस लाइन से ऊपर करके जोत लिखना है, क्योंकि जोत हमेशा अल्फाज के ऊपर करके लिखा जाता है, ठीक है। और ये इस तरह से कॉफ, अब ये भी कॉफ है, ये कॉफ जब एंड पे किसी नाम, किसी के भी नाम के अगर एंड पे कॉफ के साथ उसका नाम खत्म हो रहा है, अब मेरे नाम, मेरे जिन को ऐसा नाम नहीं है जो एंड पे जिसके कॉफ आता हो, तो वो एंड पे इस तरह का कॉफ आएगा, ठीक है। ये सीधा ऐसे डाल के तो ये लाइन के नीचे आएगा, आपकी अगर वन लाइन वाली कॉपी है तो आपने इसको लाइन के आधा नीचे ले जाना कॉफ को, ठीक है। फिर लामित ये ऊपर लाके, हेलो एक्सक्यूज मी मिसी, हाँ जी मिसी, ये एक के दिन में अगर आप ये सारा बताएंगे तो याद रखना मुश्किल होगा जी। क्या मैंने कहा अगर एक ही क्लास में ये सब कुछ आप बताएंगे तो सॉरी ये याद रखना मुश्किल होगा। नहीं नहीं ये सिर्फ आपने क्योंकि लिखनी है ना कॉपी पे जाके, आपने प्रैक्टिस करनी है तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको बुक इसीलिए दी गई है कि आपने बार बार उसकी जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हमारी तकरीबन 2-3 वीक्स में अल्फाबेट्स की ही क्लास चलेगी, मतलब थोड़ा सा टाइम हम अल्फाबेट्स को देंगे फिर एक दो कोई नई चीज सीखेंगे, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि शायद ये हमें आज बता दिया तो अगली क्लास में मतलब दोबारा हमें ये नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि सबसे पहले बेसिक ही हमारी अल्फाबेट्स हैं और आपको उनकी राइटिंग, उनको लिखने का पता चल जाएगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। और जो बुक दी गई है ये बहुत अच्छी है, ये स्पेशल डॉक्टर डैनियल ने आपके लिए दी है, जो हमारे एफसी के टीचर हमारे साथ हैं, तो उन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये आपने पहले कौन सा डालना है। ये देखिए वन लिखा हुआ है, मतलब पहले आपने ये वाला बनाना है, फिर आपने जहां से ये वाला बनाना है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि जाके आप जब कॉपी पे लिखें तो आपको मुश्किल ना हो, और खासतौर पर जब आप एक लाइन वाली कॉपी पे अगर लिख रहे हैं दोबारा इस बुक को फिल करने के बाद तो थोड़ा सा आपको जो है ना वो मुश्किल ना हो, ठीक है। सामिक आयन और ये हमारी पे है, ठीक है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा, हालांकि उन्होंने मुझे नहीं लग रहा कॉपी लिखी थी, लेकिन फिर भी काफी वर्ड्स हैं जो आपने अच्छे लिखने की कोशिश की है। एक दफा आप ये कॉपी फिल करेंगे तो आपकी राइटिंग खुद ही अच्छी हो जाएगी। ये हमारा सादे है और ये कॉफ है, रेश सीन शीन और ये तावा।
ठीक है। लेसन वाइज करेंगे आज की क्लास में जो हमने सीखा है। गुड इवनिंग एरिफ तोफ, एरिफ तोफ, जब भी अपने क्लास में आना है आपने एक दूसरे को टाइम विश करना है, एरिफ तोफ, एरिफ तोफ, एरिफ तोफ, ठीक है, एरिफ तोफ। अभी हमने अल्फाबेट्स देखे हैं तो इससे मैं आपको दोबारा ये दिखा रही हूँ, जिसमें आयन था, ये रे है और ये बे है, और ये बे जो है ये जब भी एंड पे आता है इसमें अगर डॉट नहीं होता है तो ये वी वाली साउंड देता है, एरिफ तोफ, ठीक है, एरिफ तोफ जो है वो आपने बोलना है। माशिमखा, माशिमेक, ये अब आपने ये दो सवाल आपने अपने घर में सबसे पूछने हैं। माशिमखा अगर आपका भाई है, फादर है, बेटा है, हस्बैंड है तो आपने माशिमखा पूछने हैं, ठीक है। अगर फीमेल है तो आपने माशिमेक, ठीक है, माशिमेक, ये दो सवाल हैं जो आपने इस वीक में भी जिनकी प्रैक्टिस करनी है। माशिमखा, माशिमेक, माशिमखा, माशिमेक, और जवाब में आपने उनको बताना है कि जब मैंने आपसे ये सवाल पूछने हैं तो आपने कहना है शिमी और आगे अपना नाम बता देना, ठीक है। ये आसान है, इसके ताल्लुक से कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। माशिमखा और माशिमेक मैम, मेरे मुझे ना टंग प्रॉब्लम है। जी जी